दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में फसल स्वास्थ्य प्रबंधन एक भारतीय कहानी पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस वेबिनार में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी शामिल रहे। उन्होंने वेबिनार में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भाषण ने दिया, प्रैक्टिकल करके दिखाया है और एक नई उम्मीद जगाई है। पर अगर गडकरी जी के किए हुए कार्य के अनुसार प्रैक्टिकल जो करके दिखाया उन्होंने, खेती करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसका विक्रय करना, अगर इस आधार पर नीति बन जाए तो ये देश दुनिया में सिरमौर बन सकता है। इसलिए एक बार पुनः मैं गडकरी जी का अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर सी डी माही जी, श्री बोराडकर जी, मेरे छोटे भाई भागीरथ चौधरी जी, बहन कपूर जी और आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करके मुझे भी कुछ जानकारी और मिलेगी ताकि मैं मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान हम दे सकें। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय फसल स्वास्थ्य वर्ष है उसमें फसल स्वास्थ्य प्रबंधन में भारतीय कहानी पुस्तक का विमोचन हो रहा है। ये निश्चित रूप से भारत के कृषि विकास में अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि जानकारी हमारे किसानों तक नीचे तक पहुँचे कि वो किस प्रकार खेती करें। आज का जो समय है वो पेस्टिसाइड का इतना उपयोग हो रहा है कि उसके कारण हमारी मिट्टी भी खराब हो रही है, हमारी फसलें भी खराब हो रही है और किसान की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ हो रही है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2022 तक जो किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है उसके अनुसार कृषि कानूनों में संशोधन किया है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, 2003 तक मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर माइनस में थी, लेकिन इन 15 वर्षों में हमने जहां 2990 मेगावाट बिजली थी उसको 18,000 से अधिक किया है, जहां 7.5 लाख सिंचाई था उसको 44 लाख हेक्टेयर तक किया है। हमारा कृषि विकास दर जो माइनस में था उसको हमने बढ़ाकर 20% से अधिक किया और लगातार 5 वर्ष तक माननीय गडकरी जी के मार्गदर्शन में हमने काम किया है और कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। और मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो खेती के आधार पर ही है। और अभी हमने देखा है कि कोरोना के संकट में जब पूरे उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय पान चाय दुकान होटल सब बंद थी, एक ही क्षेत्र खुला हुआ था, वो था कृषि और किसान। और उन्होंने अनाज पैदा करके इस देश के दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था की है और आज देश की आर्थिक स्थिति या देश खड़ा है और 130 करोड़ लोग दोनों टाइम भोजन और सब्जी और दूध का सेवन करके जीवित हैं, तो उसके लिए किसान। और इसलिए हम सबको किसान को इसको प्राथमिकता रखनी होगी और किसान इस देश की रीढ़ है, इस देश की आत्मा है, उसको हमने मजबूत किया तो देश मजबूत होगा। जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, तो किसान आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। और किसान को आत्मनिर्भर बनाने में ये जो पुस्तक है, ये पूरे भारत की कहानी है, इसके अंदर क्या कमियां रही है, स्वास्थ्य, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, फसलों का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, उसके लिए एक अहम भूमिका निभाएगी। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मुझे आपने आमंत्रित किया उसके लिए धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।